अरे रहमान, और राजीव भाई कैसे? बस ठीक, तू बता। मैं जॉब से आया हूँ। मैं भी जॉब से आया हूँ। चल। और भाई सब घर पे कैसे? सब ठीक है भाई, तू बता। मेरे भी घर पे सब ठीक है यार। सब ठीक है ठीक है सब बोलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। सही बोल रहा है यार, मैं घर पे बहुत टेंशन। क्या हुआ भाई, बता ना। वही भाई, हर घर की कहानी, बहन की शादी। पापा को समझाओ ना, मेरे सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कर रहे। वो शीतल को देखो, वो इंजीनियरिंग कर रही है और उसके मम्मी पापा दोनों उसको सपोर्ट कर रहे, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा सपोर्ट? देख रही है कैसे जुमा लड़ा रही है ये? रही बात दूसरे के पेरेंट्स की, तो हमका क्यों देखें? हम सिर्फ अपनी बेटी क्या देखेंगे? तो पापा वो सही बोल रही है, आजकल के जमाने में ऐसा कौन सोचता है। आपके दोस्तों को देखिए, उनकी भी बेटियां हैं, उनको तो नहीं करवानी है शादी, वैसे भी ये छोटी है। बच्चे बड़े हो गए, सब समझते हैं, फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे किसी कुछ भी सुनना नहीं है। मेरे दादाजी गांव में रिश्ता देख रहे हैं, लड़के वाले को अपडेट आते हैं, वहाँ पे मिलने चलेंगे, और मुझे किसी को नाटक नहीं चाहिए। तेरे पापा ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया पुरानी बातों को, जो इतने जल्दी शादी करवा रहे। तो तूने कुछ पूछा नहीं? पूछा ना, तो क्या बोले? पर पापा, इतनी जल्दी शादी करवाने की वजह तो बताइए। तुम्हें कोई जरूरत नहीं वजह जानने की, तुम अपने काम पे ध्यान दो। भाई ये सब क्या हो रहा है आजकल के जमाने में? ऐसी सोच, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही पापा है जिन्होंने हमें फ्रीडम दी है। बहन तू शांत हो जा, मैं समझ सकता हूँ तू क्या फील कर रही है। मुझे भी निर्णय नहीं करना था, पर पापा ने फोर्स किया, इसके लिए करना पड़ा। माँ ने कितना उनको समझाया था, फिर भी वो नहीं मानी। तू टेंशन मत ले, जब खाना खा और सो जा, उन दोनों से बात कर। आपने बच्चों को तो नहीं बताया, कम से कम मुझे तो बताइए। तुम्हें तो मालूम है ना आजकल के बच्चे, जिनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जमाना है, और सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 से 3 रिश्ते जीते आज के डेट में। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ गलत हो। क्यों, आपको आपकी बेटी पर भरोसा नहीं है? मुझको मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, पर आजकल के लड़कों पर नहीं है। और मैं जो करने जा रहा हूँ उसे करने दो। मैं भी उसकी माँ हूँ, मेरा भी हक बनता है उसके लाइफ के डिसीजन लेने का। मुझे तो अपने जॉब पे जाने दिया नहीं, शादी के वक्त जबकि बोला था कि कर सकती हो, तभी मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ही चुप करा दिया, तभी मैं चुप थी, लेकिन अब मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें ना बहस करने की आदत है, तुम करते रहो। बात बहस की नहीं है, उसकी करियर की है। वो भी कुछ करना चाहती है, वो भी कुछ बनना चाहती है, लेकिन आपकी ये ऐसे सोच की वजह से वो इमोशनली वीक होते जा रही है, और मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, मैं शादी करवा के रहूंगा। और मैं भी आपकी वाइफ हूँ, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। वैसे तेरी मम्मी ने उसका साइड लेके बराबर किया, वरना आज भी कुछ कुछ माँ होती है जो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। हमें मेरी मम्मी और बहन के साथ दादाजी को समझा रहे हैं, अगर वो समझ गए तो पापा को संभाल लेंगे। हाँ सही है, लेकिन तू ज्यादा टेंशन मत ले और घर पे सारा सपोर्ट दिखा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजी तू ही रहता है काम में। हाँ जरूर, चल छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा। तू बता, तू भी अपना मन हल्का कर ले। अंजलि बेटा। हाँ पापा। अब तो तुम्हारी डिग्री होगी, अब आगे क्या सोचा है? मैं MBA करने का सोच रही हूँ। ओह, तो फिर कॉल वगैरह तुमने कुछ देखा है? वो तो भाई देखेंगे ना, हम साथ में करने वाले हैं। भाई देखेंगे? राजीव, क्या मैं क्या सुन रहा हूँ? सही कह रहे पापा, मुझे भी MBA करना है। पर तुम्हें क्या MBA करना है? उसको तो पढ़ना है, लेकिन तुमको घर की जिम्मेदारी उठानी है। पर पापा, इतने साल पढ़ाई के बाद 3-4 साल और सही ना, निकालेंगे तब तक और अच्छी जॉब लग जाएगी। बेटा बात को समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज है। तो पापा, अंजलि को भी बोलिए ना जॉब करने, सब मुझ पे क्यों डालना है? उसे जो करना है उसे करने दो। पर पापा, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ ना। तू ज्यादा बोल मत और जॉब के लिए अप्लाई कर दे। तुम इस घर की रानी बेटी हो और हमेशा रानी की ही तरह रहोगी, ये सब जॉब के चक्कर में तुम मत पड़ो। ठीक है पापा, जैसे आप कहें। मम्मी, मैंने बचपन से पापा को देखा, अंजलि को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तू वो सब छोड़, मैं आज तेरे मनपसंद का खाना बनाती हूँ। नहीं माँ, ये रोज का हो गया है, मैं इतने दिन से कुछ बोला नहीं, पापा तो कुछ बोलेंगे नहीं, तुम ही बताओ। तेरी पापा की हमेशा से इच्छा थी, उनको लड़की चाहिए थी, लेकिन तू हो गया। लेकिन अंजलि पैदा हुई ना बाद में, उससे ज्यादा प्यार करते, ठीक है मुझसे रद्दी भर का तो करे। जब तू हुआ था ना बेटा, तब उन्होंने 2 दिन तक तुझे हाथ भी नहीं लगाया था, फिर बाद में बाप का प्यार जाग गया। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करती बता के, और अभी क्या होने वाला है? हाँ ठीक है, आप वगैरह से बात करो। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं चाहूँ तो अभी जाके उनसे झगड़ा करूँ, लेकिन पत्नी हूँ उनकी,
पता ही नहीं मानेंगे। हाँ मालूम है आप कितना झगड़ा करने वाले हो उनसे, खुद के लिए कभी आज से कुछ मांग नहीं पाए, मेरे लिए चलिए झगड़ा करने। भाई मेरे घर पे तो मेरी बहन से भेदभाव हो रहा है, पर तेरे घर पे तो तुझसे ही हो रहा है भेदभाव। और क्या ऑप्शन नहीं रहेगा, अभी पापा से बात करने में जितना टाइम वेस्ट करूंगा ना उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, और बात करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है सबको। आप तेरी जगह मैं भी होता तो यही करता यार। तुझे पता है ये सब जो मेरे साथ हो रहा है यार, जो कुछ भी होता है किसी ना किसी के साथ शेयर करने का मन करता है, पर किससे करूं? मम्मी से शेयर कर लिया करना, मम्मी पूरा घर संभालती है, उनका भी काम करते करते स्ट्रेस बढ़ता है। तेरे और फ्रेंड्स होंगे ना उनसे शेयर कर लिया, किसी से कुछ बात किया तो वो सब बोलते रहे, सुनाने लगते है कि तू लड़की है क्या, लड़के रोते नहीं, स्ट्रॉन्ग बन, ये वो, इसलिए किसी से कुछ बात करके फायदा नहीं है। चल कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझसे शेयर कर लिया। थैंक्स भाई, तू समझेगा भी मेरी बात सब अच्छे से। चल अब निकलते, बहुत टाइम हो गया हम लोग कब से आ बैठे। हाँ भाई चल निकलते, बहुत देर हो गई। आज तो ऐसे मिल गए, फिर मिलते बनाते प्लान।